हेलो, राम राम जी। सारा नमी सारे बड़े हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो जी स्वागत आपका फिर से हमारे नए ब्लॉग में। और बेबी तर लगा था जाडा, क्योंकि मैं इनके स्कूल में आई थी, पेरेंट्स मीटिंग थी आज, तो स्कूल में चली गई थी। सोची तो थी उड़े की भी थोड़ी बहुत क्लब बना लूँ, पर मैंने ना बनाई। मैं कहा ना मेरी फ्रेंड सारी को रोजा ही नहीं सोचे कि अगर ले हर स्कूल में दिखाई जा, मैं इनके ने जब भी जा है तो इस मारे ना दिखाया भी स्कूल का कुछ भी आके। और फिर खाना खुना खाया वे, रोटी बनाई अपनी भी और मैं इनकी बनाई। और खा कर ना रोटी और मैंने जाडा सा लग गया, मैं कहना थोड़ी बार धूप में जाऊँ। बल्कि सूट का देखो मैं काले रंग का पहन रही हूँ, और है ना इस सूट का स्टोल ऑर्डर थी, और वो स्टोल है ना ये नाम है अंदर रखा ही, और ये मोटा शाल था थोड़ा सा, ये गर्म सा है वो शाल जो मैं ऑर्डर हूँ। और मैं वो शाल ले आई, मैं काले कदे जाडा लग मका बारे, पर वे जाडा के आज तक सुता चरचरा गाँव पर रहा, कभी नहीं एक नंबर का कभी कहाँ बढ़िया गाँव देखो। आपने देखा भी होगा मेरे मुंह पे भी पड़ता सही। और मैं गली में बैठी हूँ करके एक बारने आ गए, मैं कहीं हाँ अड़े कि अड़े गर भी संभालिया जागा। और भाई अपना लवे कि लवे आड़े बैठी हूँ, थोड़ा बहुत गाँव आड़े लगा रही हूँ। तो जीजी इस मारे बैठी थी धूप माँ कने, और शीशे में देखो ना इसमें फोन में जब कति लाल मुँह हो गया जो अड़े तो। और बाकी जीजी वही बात है, जाडा तो कम रह रहा है, इतना तक होने जाडा। और ब्याज बड़का ने फरमाइश कर रखी है टिक्किया की, आज बनाऊंगी टिक्की। बता शुरू कुछ कराया नहीं है, टालन की सोची थी पर इमली दे रखी है सांझ की, मैं कल ना मान के कभी देनी पड़ेगी। और तब इमली दे कर छोड़कर रही हूँ, और फिर उसकी चटनी बनाऊंगी इमली की, और फिर के क्या करें इनकी टिक्की विक्की सोचूंगी बनाऊंगी। और मान के तो ना भी बनाऊँ, पर मन ने कोने असल में तो बड़ा गणे ठीक बना दी वे का दीवत नहीं सची गई, बलका नदी बलका के मलका भी पिक्चरा पिक्चरा। और कुस्ता काम लग गया तेज में वे कितका, थोड़ी बहुत देर बैठना था बस, बैठ भी खुली जाना ही पड़ेगा। ये लग गया हमें पिक्चर क्योंकि गुला चमका लकट रहा हरी, तो वे भी लकड़ाएगा क्यों फरवरी शुरू होने हो रही है। राम जी की भी गलती को ना वे पर जाटा नु है गेरा जो तो छक्के गेरा कति छका दिए दिन रात नहीं। और भीतर तो भी लग गया सह भीतर तो भी कति नु हाथ पा ठजा है कसुते, तब ये इतना बैठी हूँ ना तो फिर अपने भीतर से ली जाऊँगी और के करूँ। मैंने सोची लिया बैठी तो सुनिए अपने वालों की शुरुआत कर ली हूँ, और मका भाई धूप भी लाग जाएगी साथ के साथ, और आप लोगों से भी बात हो जाएगी। तो देखो जी मैंने शुरू कर दी है टिक्कियों की तैयारी, ठीक है। आज मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए टिक्की। तो देखो ये आलू है, इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, बस धनिया है और नमक है। आलू उबाल रखे हैं, और ये है ब्रेड। तो है ना मैं ये जो ऊपर वाला है इसको हटा देती हूँ, और ये जो ब्रेड है ना ये इन आलूओं में मिक्स कर लूंगी। वैसे तो चने की दाल भी बेल लिया करें, लेकिन है ना मेरे बच्चे चने की दाल में खाते नहीं, क्योंकि वो जो टिक्की में डालते हैं ना वो खाए ही नहीं थे। देखो वैसे उससे भी मैं कर सकती हूँ मैं, लेकिन वो क्या नाम है जो मैसर है, लेकिन उससे ना ये ब्रेड नहीं होंगे अच्छे से, तो ये मेरे को ना हाथों से ही करने पड़ेंगे। तो देखो इसको बिल्कुल है ना आलूओं में बिल्कुल मैश करके, और फिर बनाऊंगी जी आज मैं टिक्की। और आप लोग भी देख लो, क्योंकि देखो बात के ब्रेड के डंगा हुआ है ना, बात तो अच्छा है हम अपने कम से कम शुद्ध तेल तो बना हुए हैं, हमारे के ब्रेड किसी किसी हाथ लागे रहे हैं तेल क्या दिन का तेल यूज करे है, तो कम से कम ये भाई ये तो है कि हम अपने हाथ से बनाओ, अपने बच्चों ने भाई कम से कम सफाई तो है। और उनका तो कैमरा कितने दिन का तेल यूज करे और चले जा है। तो देखो भाई मैं मिक्स कर लाग रही हूँ, क्योंकि ये जो ब्रेड है ना ये काफी देर में मैश हुए हैं, देखो क्योंकि ये मोटे मोटे रह जावे ना तो वे अच्छे ना लगते फिर। और ये जो ये पतीला रखा है ना इसमें मैंने बना रखी है, देखो पहले आप लोगों ने देखा कि गर्म है बिल्कुल बाफ निकला है, देखो दिखा नहीं सकती। ये मैंने ना चटनी बना रखी है, देखो दिखाती हूँ, ये चटनी है और ये बनाई मैंने इमली की, ठीक। तो ये जो है ये इमली की चटनी है, ये मैंने पहले ही बना दी थी उनकी, ये जब तक है ना थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी सी हो जाएगी। और चटनी मैंने किसी से नहीं सीखी, जब हम छोटे छोटे थे तो मेरा भाई बनाया करता चटनी इमली की, तो वही याद थी मेरा उसी
तरीके से बनाया मैं चटनी अपने भाई के तरीके से, क्योंकि मैंने वैसे ना किसी को देखा कौन कैसे बना है, ना यूट्यूब पर ना नेट पर कहीं नहीं देखा। तो देखो जी ये आलू है और ये ब्रेड इसके मैंने थोड़े लग रहे हैं तो डाल लूँगी, क्योंकि बच्चों को टिक्की ज़्यादा टेस्टी लगती है। तेल डाल दिया है इस छोटे से फ्राई पैन में और ये डो लगा रखा है आलू का और ब्रेड का। और देखो मैं अभी दिखाती हूँ कि अभी मैं कैसे बनाती हूँ टिक्की घर पे ही, बिल्कुल एकदम होटल वाला टेस्ट आता है। ये देखो ऐसे लोई की तरह छोटे छोटे से जैसे टिक्की होती है, वो तो आपको सबको पता ही है बना के। और मैं ऐसे पहले तो मैं बनाती थी तवे पे ही ऊन लगाती रहती, घी तेल जो भी हम लगाते हैं, लेकिन फिर मैंने एक दिन सोचा कि वो तो एक एक करके टाइम लग जाता है उनमें तो बनाने में। तो ये देखो आपको अभी दिखाती हूँ मैं पूरा तैयार करके। और इसमें ये है एक साथ दो तीन बन जाती हैं और मटेरियल मैंने ना सारा कुछ तैयार कर दिया। तो ये देखो अब इनको है ना थोड़ी थोड़ी देर में पलटती रहूंगी, जैसे मतलब ये पक के तैयार हो जाएंगे ना तो निकाल दूंगी। तो देखो भाई जिसने भी अपने बच्चों के लिए घर पे ही बिल्कुल होटल जैसा टेस्ट बनाना है, देखो मैं शुरू से लेके तो एक एक चीज तो शायद मैंने नहीं बताई होगी, क्योंकि आप लोग कहते बोर कर दिए इस चक्कर में, मतलब जो मेन रेसिपी है मैंने वो आपको बता दी है। कुछ लोग तो वही सोस खा लेते हैं भाई किसान वाली, और कुछ जैसे मैंने इमली की बनाई है स्पेशल वो भी रखी है वैसे हमारे, लेकिन जो ये टिक्की हुई दही बल्ले हुए इनमें ना ये ही अच्छी लगती है ये वाली इमली वाली। तो देखो अभी पक रही है मैं आपको दिखाऊंगी, तब तक मैं और डो बना लेती हूँ बेस्ट जो डालूंगी फ्राई पैन में वो पकती रहेंगी धीरे धीरे। तो देखो जी ऐसे बनाते हैं, वैसे इसमें हम जीरा भी डाल सकते हैं कुछ भी डाल सकते हैं खाने वाली चीजें जो हमें पसंद है भाई। मैंने दाल इसीलिए नहीं भिगोई थी क्योंकि मेरे बच्चे खाएंगे नहीं, और इसमें जीरा भी डाल दिया करेंगे वो इसके साथ पक जाता है फिर जैसे ये पकती है ना, तो कच्चा जीरा भी इसमें डाल सकते हैं, जैसे हरा धनिया भी डाल सकते हैं। पर बच्चे ना सिंपल तरीके से पसंद ज्यादा करते हैं। देखो अभी दिखाती हूँ मैं आपको बिल्कुल करारी करारी बनेगी एकदम से, अभी बस इसमें ये फायदा कि तीन डाल रखी है मैंने, जैसे जितना इसका एरिया है ना उसमें तीन है, क्योंकि मैंने तेल थोड़ा ही डाल रखा बिल्कुल इतना सा, तो उसमें तीन आ चुकी है एक साथ में तीन बनाएंगे। और तवे पे क्या होता कि एक कोई अच्छे से वो बीच में ज्यादा मतलब तेल दी जो है वो बीच में ज्यादा आ जाए ना, तो इस चक्कर में वो रह जाए ये तो एक पे ज्यादा लग सका है उसको, तो एक ही अच्छे से बनेगी। क्या था पानी था क्या इसमें, क्या इस पे पानी होगा, गैस मंदी कर दूंगी। कल देखो अभी दिखाऊंगी आप लोगों ने, ये देखो ये तो बिल्कुल ही ज्यादा रेड होगी एक तो, ये देखो जी देखो टिक्की है या नहीं है और मैं अभी रेडी भी करके दिखाती हूँ आपको, क्योंकि मैंने गैस को ना सिम कर दिया, तो बना के दिखाती हूँ। एक प्लेट प्याज व्याज भी नहीं खाते बच्चे, खीरे वीरे भी नहीं खाते ज्यादा, अभी दिखाती हूँ एक ही डालते हैं फिलहाल। ये देखो जी ये जो मैंने सॉस बनाई थी ना इमली वाली वो है, ये डाल देती हूँ और ये दही है और ये हरी चटनी है, प्याज व्याज कुछ खाते नहीं बच्चे इसलिए मैं वो नहीं डालूंगी।
और ये देखो जी, हो गई ना बिल्कुल रेडी, दिख रही होगी आप लोगों को। तो देखो ये बना दी मैंने टिक्की, अब इसको मैश करके खा लेंगे, ठीक है। बाकी मैं बाद में बनाऊंगी, क्योंकि मेरे को वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है।